तो 2024 में कौन? मोदी ही जी आएंगे। पक्का? कोई विपक्षी उन्हें? कोई नहीं हरा सकता, 100% गारंटी। राहुल गांधी? राहुल गांधी अभी बहुत पीछे रहेंगे। बहुत पीछे। ममता दीदी, नीतीश कुमार? वो सब अभी छोड़िए, अभी मोदी जी के गुनगाएंगे सब। काम तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन कुछ गड़बड़ी भी हुई है। अच्छा लगता है, इसे हर चीज होता है, खुल के दुर्गा पूजा हो गया, चाहे कोई भी त्यौहार हो गया, खुल के मनाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, महंगाई है तो महंगाई केवल हमारे लिए तो है नहीं, सबके लिए है। जब महंगा हुआ तभी तो कुछ लेवल बढ़ा, ऐसे थोड़ी ना कि क्या नाम है, महंगा भी ना बढ़े और कुछ तरक्की भी ना हो। कुछ तरक्की करना है तो महंगाई तो बढ़ेगा ही, बस यही बात है। गैस सिलेंडर जो है काफ़ी महंगा हो गया, लोगों को भराने में महीने में जो है काफ़ी दिक्कतें आ रही, क्योंकि 1174-75 रुपये का जो है एक सिलेंडर, यानी 1200 रुपये पड़ रहा है। यही दो काम और मोदी जी कर दें तो काम बहुत ही अच्छा है, और कोई इसमें वो नहीं है। यहाँ जो देखा जा रहा है, लगभग हर किसी को आवास मिला, और बढ़िया आवास, ऐसे उसमें से अगर कोई पैसा निकाला नहीं तो बढ़िया उसका एक मकान बन गया है, और राशन सभी को मिल रहा है। यही दो काम हमको बहुत अच्छा लगा। काफ़ी बदलाव हुआ है, बहुत अच्छा बदलाव हुआ। किस मामले में? जैसे आवास मिल रहा है लोग को, गरीब को गल्ला मिल रहा है, यही सब है। और क्या, कामकाज बढ़िया चल रहा है? काम ठीक चल रहा है। मोदी जी के कार्यकाल में कामकाज को लेकर कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब ठीक ठाक है। अरे भाई क्यों नहीं, लोग राशन पा रहे फ्री में, हैं, रोड बन रहा है, और क्या चाहिए। जो क्या ना है, 2000 रुपये आ रहा किसानों का, वो भी मिल रहा है, क्या दिक्कत भाई। तो मतलब काम काज से पूरा खुश माहौल, बढ़िया, चकाचक का कोई दिक्कत नहीं, कोई टक्कर दे सकेगा क्या? पुर की जनता इस वक्त बिल्कुल बेबाकी से अपनी राय इस बात पर रख रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत किसकी होगी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, यही जानने के लिए हम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। और इस वक्त एक दुकानदार यहां के हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इनके दिल में क्या है। भैया सबसे पहले तो नाम बताइए अपना। हमारा नाम मोहम्मद इरफान खान है। मोहम्मद जी, इरफान जी, ये बताइए कि 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इस बार आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी के जो काम का जादू है वो चलेगा या नहीं? चलेगा क्यों नहीं। हाँ, अगर काम ना होता तो कैसे चलता। हाँ, तो काम काज से खुश हैं उनके? हाँ, और क्या भैया, क्या खराबी उनके काम में। कुछ ऐसे काम बताइए जिसे जनता जाने और ये समझे कि हाँ इसी काम पर हमें वोट करना चाहिए। अभी भैया क्या नहीं है, राशन मिल रहा है फ्री का, सब कुछ तो मिल रहा है, अब क्या चाहिए पब्लिक। आवास वगैरह की सुविधा या पीएम किसान सम्मान निधि, ये सब आवास करने पा गए हैं, सब बहुत से आवास पा गए हैं। बिजली पानी बत्ती सड़क सब सही है, देखो रोड बन रहा है। हाँ, अच्छा, विपक्षी एकजुट हो रहे हैं मोदी जी को हराने के लिए? भैया कितनों विपक्षी एकजुट हो जाए, हराना नहीं उनको। हाँ, राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे? नहीं, वो अब देखो, अब तो आने वाला वक्त बताएगा उनको। क्यों, उनको आप नहीं मानते कि वो मोदी जी को टक्कर दे नहीं, अब अगर दे रहा तो जीत नजदीक ना होते, पलटी का सीट कम हो जाती उनकी। जी, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। मोहम्मद नासिर जी, क्या करते हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ, डेंटिस्ट हूँ। अच्छा जी, ये बताइए कि 2024 का लोकसभा चुनाव अब नज़दीक है, मोदी जी के कामकाज से खुश हैं क्या कि नहीं? जो 10 साल से पिछले मोदी जी काम कर रहे हैं उसको लेकर के आप खुश हैं या नहीं खुश हैं? काम तो हुआ ही है, लेकिन अभी फिलहाल देखा जाता है, जैसे चुनाव सरगर्मी आएगी उसी हिसाब से सब जनता वोट देगी उनको। तो काम पे वोट करेगी या फिर कुछ और क्या रहेगा, ये तो जनता निर्णय करेगी। जितने लायक काम किया नहीं किया है अब ये तो जनता बताएगी। जनता में आप हैं, आपकी राय क्या है ये बताइए। मेरी राय तो बस समान है, जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो मोदी जी कर रहे हैं कि नहीं, यही तो जानना है। वही आगे बढ़ता है। मोदी जी कर रहे हैं मेहनत की नहीं कर रहे? मेहनत तो कर ही रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, आगे हो सकता है बढ़ सकते हैं। कोई टक्कर देने वाला है उनको? अब टक्कर देने वाले तो अभी फिलहाल तो वही है अपने अखिलेश। अखिलेश भैया टक्कर देंगे? नहीं, तो प्रधानमंत्री का चुनाव है तो क्या आप चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने? जी हाँ, बिल्कुल चाहते हैं। विपक्ष, सारे विपक्ष मिलकर के उन्हें अपना चेहरा बनाएंगे प्रधानमंत्री का? बिल्कुल बना सकते हैं। भैया चाय बना रहे हैं, दुकान इनकी है, इनसे भी जरा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि अकबरपुर में क्या माहौल है मोदी जी के कामकाज को लेकर के। क्या नाम है आपका? भरत लाल मोदनवाल। भरत लाल जी, ये बताइए कि मोदी जी के कामकाज से कितना खुश हैं आप? 80% खुश हैं। अच्छा,
80% खुश हैं हम। 20% गुंजाइश है? हाँ 20% है भी गुंजाइश। क्या कमी लगती है? अरे कमी मतलब हर लोग का, हर आदमी सब पूरी कह पाई कोई नहीं पूरा कर पाएगा। अब अपने हिसाब से लोग बोलेंगे, जो जिसको अच्छा लगेगा वही बोलेगा। आप हमारे ठीक है, हम ठीक बोलेंगे। तो मोदी जी ने ऐसे कौन से 3 अच्छे काम किए हैं जो जनता को देखना चाहिए और उस पर वोट करना चाहिए? अरे भाई क्यों नहीं, लोग राशन पा रहे फ्री में, हैं रोड बन रहा है, और क्या चाहिए? जो क्या ना है 2000 रुपये आ रहा किसानों का, वो भी मिल रहा है, क्या दिक्कत भाई? तो मतलब काम काज से पूरा खुश माहौल, बढ़िया चकाचक का कोई दिक्कत नहीं? कोई टक्कर दे सकेगा क्या उन्हें? राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, अब अपनी अपनी सोच है। तो जैसा कि 2024 के चुनाव को लेकर के हम जनता की राय ले रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मोदी के कार्यकाल से अकबरपुर की जनता कितनी ज़्यादा खुश है और या कितना नाखुश है। इसी सिलसिले में एक भैया हमारे साथ जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार, चलिए आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर हम बात करने वाले हैं, उनके कामकाज से जो पिछला 9 साल बीता है उसको लेकर के आपकी क्या राय है कि 2024 में कौन जीतने वाला है? राय सर सब ठीक ठाक है, हर कोई अच्छा काम नहीं करता सबके लिए, बशर्ते दो काम उनका सराहनीय है, जैसे एक आवास, यहाँ जो देखा जा रहा है लगभग हर किसी को आवास मिला और बढ़िया आवास, ऐसे उसमें से अगर कोई पैसा निकाला नहीं तो बढ़िया उसका एक मकान बन गया है, और राशन सभी को मिल रहा है, यही दो काम हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा। जी यानी कि ये एक ऐसे दो काम हैं जिसको लेकर के लोग मोदी जी को फिर चुन सकते हैं। इस इलाके में आपको क्या लगता है कि ज़्यादातर लोग किससे प्रभावित हैं, किस नेता से, मोदी जी से या किसी और से? मोदी योगी दोनों। अच्छा, यानी कि डबल इंजन का भी फायदा मिलेगा। जी जी जी। क्या नाम है भैया आपका? कमर अहमद खान। कमर अहमद खान जी, ये बताइए कि अब तक नरेंद्र मोदी का दो कार्यकाल में जो काम काज रहा उसको लेकर के आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? 2024 में कौन प्रधानमंत्री फिर बनेगा? काम तो बहुत ही अच्छा था लेकिन कुछ गड़बड़ी भी हुई है, जैसे कि गरीबों का जो राशन कार्ड था, पहले हर व्यक्ति को लाल कार्ड सफ़ेद कार्ड को 35 किलो गल्ला मिलता था, उसका परिवार चल जाता था, लेकिन अब जो है इन्होंने दो किस्म कर दिया, लाल वालों को 35 किलो दे रहे हैं और वाइट वालों सफ़ेद वालों को जो है ये 5 किलो यूनिट, जिससे 4 लोगों का परिवार 20 किलो में नहीं काम चल रहा है, गेहूँ आटा ये जो है पूरा पर नहीं पड़ रहा, इससे काफ़ी दिक्कत हो रही है। और जैसे एक समस्या ये बड़ी हो गई है कि गैस सिलेंडर जो है काफ़ी महंगा हो गया, लोगों को भराने में महीने में जो है काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि 1174-75 रुपये का जो है एक सिलेंडर यानी 1200 रुपये पड़ रहा है, यही तो काम और मोदी जी कर दें तो काम बहुत ही अच्छा है और कोई इसमें वो नहीं है। अच्छा, जो मोदी जी के पक्षधर हैं उनका ये कहना है कि भाई पहले तो सिलेंडर लेने के लिए भोर से ही लाइन लगानी पड़ती थी, अब लाइन तो नहीं लगानी पड़ रही। चक्कर ये था ना कि पहले एजेंसियाँ कम थी, अब गांव-गांव जो इन्होंने मतलब बांट दिया है, इससे लोगों को बड़ी आसानी हो गई है और लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं, बशर्ते ये है कि महंगाई की मार से जो है लोग वही परेशान है, लोग भरा नहीं पा रहे हैं। मतलब महंगाई का मुद्दा 2024 में एक बड़ा मुद्दा बनेगा, अब देखिए क्या बनता है, लेकिन चक्कर जो बात है हम बता दे रहे हैं आपको। अच्छा, शुरुआत आपने अपनी बात की इससे की थी कि मोदी जी ने काम तो अच्छा किया है, काम अच्छा, 3 काम अच्छे भी बता दीजिए, 2 काम आपने बुरे तो बताए। ये इन्होंने गरीबों को सिलेंडर बांटा था, ये अच्छी बात हुई थी। दूसरे ये मतलब ये घर आवास वगैरह जो दिया इन्होंने ये है, और दूसरे ये जल कल नल और ये जो है का मतलब लाइटें वगैरह दे रहे हैं, ये सब अच्छे कामों में से हैं। चलिए, ये सब अच्छे कामों में से है, आप लोग भी जरा भैया बताइए, युवा हैं, युवाओं की राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्या नाम है आपका? निखिल मोदनवाल। निखिल, क्या करते हैं आप? फास्ट फूड का काम करते हैं, दुकान है, फास्ट फूड ये आपकी दुकान है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बताइए आप कि मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है पिछले 9 साल का, 2024 में फिर से लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो आपको क्या लग रहा है कि उनके कामकाज से लोग खुश हैं, आप खुश हैं कि नहीं? हाँ देखिए, 2-3 साल से तो हम थोड़ा घूम टाल रहे हैं। अच्छा। ना अभी तक इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज था नहीं, तो अभी जब से हम देख रहे हैं तब से तो एक नंबर काम को लग रहा है। क्या काम उनको अच्छा, उनका अच्छा लगता है आपको मोदी जी का, कुछ एक आध? अच्छा लगता है, इसे हर चीज़ होता है, खुल के दुर्गा पूजा हो गया, चाहे कोई भी त्यौहार हो गया खुल के मनाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ महंगाई है, तो महंगाई केवल हमारे लिए तो है नहीं, सबके लिए है। जब महंगा हुआ तभी तो कुछ लेवल बढ़ा, ऐसे थोड़ी ना कि क्या नाम है, महंगा भी ना बढ़े और कुछ तरक्की भी ना हो, कुछ तरक्की करना है तो महंगाई तो बढ़ेगा ही। मोहम्मद आसिफ जी, ये बताइए मोदी जी का कामकाज कैसा लगा? मोदी जी का ठीक है, कामकाज बढ़िया है जी। इस क्षेत्र में आप कितने सालों से रह रहे हैं?
अरे हमारा तो बचपना से जी। तो बचपने में और इधर जो आपका 10 साल बीता है मोदी जी के कार्यकाल का, कुछ बदलाव देखते हैं? काफ़ी बदलाव हुआ है, बहुत अच्छा बदलाव हुआ। किस मामले में? जैसे आवास मिल रहा है लोग को, गरीब को गल्ला मिल रहा है, यही सब है। और क्या, कामकाज बढ़िया चल रहा है? काम ठीक चल रहा है। मोदी जी के कार्यकाल में कामकाज को लेकर कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब ठीक ठाक है। तो 2024 में कौन? मोदी जी आएंगे। हाँ जी, पक्का? कोई विपक्षी उन्हें कोई नहीं हरा सकता, 100% गारंटी। राहुल गांधी अभी बहुत पीछे रहेंगे। बहुत पीछे। ममता दीदी, नीतीश कुमार, वो सब अभी छोड़िए, अभी मोदी जी के गुण गाएंगे सब।